नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर हेडलाइंस। जनता दरबार में आए 134 फरियादियों की परेशानी को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से सुना, अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। पटना मेट्रो में निकली वैकेंसी, आगे जाने किन पदों पर हो रही है बहाली, 25 से 30 हजार मिलेगी सैलरी। ओलंपिक में बिहार की भागीदारी नहीं होने पर छलका तेजस्वी का दर्द, बोले यहाँ भी है टैलेंटेड खिलाड़ी, सरकार करे मदद। पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों से मांगी रिपोर्ट, सुरक्षा बलों की उपलब्धता को लेकर SP देंगे जानकारी। जातीय जनगणना पर बोले CM नीतीश, हम चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, लेकिन PM से नहीं मिला जवाब। खादी ग्रामोद्योग संघ के शिष्टमंडल ने की मंत्री शाहनवाज से मुलाकात, कई मामलों पर हुई बातचीत। 14 अगस्त से बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक सामानों की वितरण बिक्री करना पड़ेगा भारी, हो सकती है 5 साल तक जेल। पर्यटकों को लुभाने के लिए होटलों में मिथिला पेंटिंग, वाईफाई की सुविधा, बिहार में पर्यटन विभाग की तैयारी जोरों पर। जब बिहार में चलती ट्रेन का एक बोगी हो गया बेपटरी, बाल बाल बची सैकड़ों यात्रियों की जान। क्या UP में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी JDU, आगे जानिए CM नीतीश कुमार ने क्या दिया जवाब। प्रत्येक सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार में आने वाले फरियादियों की समस्या सुनते हैं, और उनकी समस्याओं को सुनने के बाद जनता दरबार में मौजूद अधिकारियों को इन समस्याओं के निराकरण का निर्देश देते हैं। पटना के देशरत्न मार्ग स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में सोमवार को भी जनता दरबार आयोजित हुआ। जनता के दरबार में 134 फरियादी आए, जिसमें 25 महिलाएं और 109 पुरुष थे, जिनकी समस्याएं खुद मुख्यमंत्री ने सुनी। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे 134 लोगों की समस्याओं को सुना, और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए समुचित कार्रवाई का निर्देश दिए। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, वित्त विभाग, श्रम संसाधन विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग के मामलों पर सुनवाई हुई। पटना मेट्रो में नौकरी करने के लिए जो लोग बहाली का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। पटना मेट्रो के भर्ती के लिए वैकेंसी निकली है। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि PMRC ने एजेंसी के माध्यम से मैनपावर बहाली प्रक्रिया शुरू की है। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से ऐसी एजेंसी को हायर करने के लिए निविदा जारी की गई है, जो पटना मेट्रो रेल के लिए मैनपावर की आपूर्ति करेगी। कुल 22 पदों पर एजेंसी के माध्यम से लोग रखे जाएंगे। इसमें ड्राफ्टमैन से लेकर IT एग्जीक्यूटिव स्तर के कर्मचारी होंगे। MRC ने इनके लिए वेतन भी निर्धारित कर दिया है, वेतन के साथ वार्षिक व्यय राशि का ब्यौरा दिया गया है। बताते चले कि बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो चलाने की योजना पर काम शुरू है। पटना में मेट्रो परियोजना का 2 कॉरिडोर बनाया जाएगा। एक कॉरिडोर PMCH, गांधी मैदान रेलवे स्टेशन और राजेंद्र नगर की लोकेशन को कवर करेगा, जबकि दूसरा कॉरिडोर RPS मोड, पाटलिपुत्रा, राजा बाजार, पटना जू, विकास भवन, हाईकोर्ट, पटना स्टेशन मीठापुर तक का होगा। ड्राफ्टमैन के 1, IT एग्जीक्यूटिव के 2, स्टेनोग्राफर के 5, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 4 और सपोर्टिंग स्टाफ के 10 पदों पर बहाली के लिए वैकेंसी निकाली गई है। टोक्यो ओलंपिक के समापन के बाद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का दर्द छलका है। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट से पोस्ट लिखकर बिहार का ओलंपिक में प्रतिनिधित्व नहीं होने पर निराशा जाहिर की है। उन्होंने पूर्व खिलाड़ी होने के नाते अब तक बिहार सरकार को खेलकूद में प्रोत्साहन देने के लिए किसी तरह की व्यवस्था नहीं करने पर कोसा भी है। तेजस्वी ने लिखा है कि बिहार में अब तक खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए बस खानापूर्ति की गई है। बिहार में खेल यूनिवर्सिटी, खेल कूद से जुड़े विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना, प्रशिक्षण सुविधाओं और सरकार की ओर से किसी भी रूप में प्रोत्साहन या सकारात्मक पहल नहीं होने की वजह से यहाँ के बच्चे अपने अंदर के हुनर को सही ढंग से नहीं निखार पाते हैं। उनके अभिभावक भी समुचित व्यवस्था नहीं रहने के कारण उन्हें प्रोत्साहित नहीं कर पाते हैं। जिन बिहारी मूल के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित की है, वह उन्होंने दूसरे राज्यों से ट्रेनिंग लेकर वहाँ का प्रतिनिधित्व करके ही पाई है। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर एक तरफ राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब पुलिस मुख्यालय ने भी कमर कस ली है। पंचायत चुनाव को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के SSP और SP से रिपोर्ट मांगी है। जिलों के SP को कहा गया है कि वह सुरक्षा बलों की आवश्यकता का आकलन कर अपनी डिटेल रिपोर्ट मुख्यालय को सौंपे। राज्य में पंचायत चुनाव की घोषणा 15 अगस्त के बाद किसी भी वक्त हो सकती है।
पंचायत चुनाव में हिंसा ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो सके, इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती जरूरी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अब पुलिस मुख्यालय जिलों में सुरक्षा बलों की रिपोर्ट मांगकर यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है कि चरणबद्ध तरीके से पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति कैसे की जा सकेगी। राज्य के संवेदनशील और नक्सल प्रभावित इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जानी है, इसके लिए भी पुलिस मुख्यालय फ्लाइट मोड में है। मुख्यालय ने 5 चुनाव को देखते हुए अभी से ही सभी जिलों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश ने पत्रकारों से बातचीत की। जातीय जनगणना पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि जाति आधारित जनगणना हो जाए। जातीय जनगणना हमारी पुरानी मांग है। इस बार इस तरह की जनगणना हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि किस जाति के लोगों को देश में क्या स्थिति है। जातीय जनगणना सभी के हित के लिए है, यह देश के भले के लिए है। अब इस बारे में निर्णय केंद्र सरकार को लेना है। अभी प्रधानमंत्री की तरफ से जवाब नहीं मिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर सोमवार को जनता दरबार लगाते हैं। बीते सोमवार को भी जनता दरबार लगाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने फरियादियों की शिकायतें सुनी और उचित कार्रवाई का निर्देश अधिकारियों को दिए। जनता दरबार खत्म होने के बाद सीएम नीतीश कुमार मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना कराने पर एक बार फिर से जोर दिया है। सीएम नीतीश ने कहा है कि हम जातीय जनगणना कराना चाहते हैं और यह हमारी पुरानी मांग है। नीतीश कुमार ने आगे कहा है कि इस बारे में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। इस पत्र का हमें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। बिहार खादी ग्राम उद्योग संघ के 10 सदस्यीय शिष्टमंडल ने सोमवार को पटना में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन से मुलाकात की। इस दौरान मंत्री शाहनवाज से मुजफ्फरपुर में बिहार खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के तर्ज पर मॉडल सेंटर बनाने की मांग की। वहीं बिहार खादी ग्राम उद्योग संघ ने खादी मॉल के लिए भागलपुर समेत 20 शहरों में अपनी जमीन देने का ऑफर भी दिया। बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ के अध्यक्ष अभय कुमार चौधरी के नेतृत्व में शिष्टमंडल से मिलकर बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने प्रसन्नता जाहिर की और कहा है कि खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुजफ्फरपुर में मॉडल सेंटर विकसित करने की बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ की मांग और खादी मॉल के लिए अपनी जमीन उपलब्ध कराने का ऑफर अत्यंत सराहनीय है। बैठक के बाद उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड और बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ मिलकर एक आपसी रणनीति बनाए जिस पर निर्णय किया जाएगा। उद्योग मंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि कोरोना संक्रमण के कारण गाइडलाइन में अनुमति मिलने के बाद राज्य के विभिन्न शहरों में बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मेला और प्रदर्शनकारियों का आयोजन किया जाए। बिहार सरकार के नए नियमों के मुताबिक 14 अगस्त की आधी रात से राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक का खरीद बिक्री करना भारी पड़ सकता है। पर्यावरण विभाग ने बताया कि राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक के विनिर्माण परिवहन सहित सभी चीज़ों पर रोक लगा दी गई है। इसका अनुपालन नहीं करने वालों पर भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी। जनसंपर्क विभाग की ओर से ट्वीट कर कहा गया है कि दिनांक 14 दिसंबर 2021 के मध्य रात्रि इसके पश्चात सिंगल यूज वाले प्लास्टिक व थर्मोकोल से बने निम्नांकित सामग्रियों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इसके आयात, विनिर्माण, परिवहन, वितरण और विक्रय करना दंडनीय होगा। बिहार में अब पर्यटन विभाग के होटलों, रेस्टोरेंट व पर्यटन के स्थलों की सूरत बदलेगी, इसको लेकर विभागीय समीक्षा शुरू हुई है। विभाग ने देश विदेश से बिहार आए पर्यटकों को लुभाने के लिए पर्यटन विभाग अब अपने होटल व रेस्टोरेंट में खाने पीने के दाम में कटौती करेगा। विभाग के मुताबिक विभाग ने मेंटेनेंस पॉलिसी भी तैयार किया है जिसे जल्द लागू किया जाएगा। वहीं नालंदा, गया व बिहार शरीफ में नए होटल व रेस्टोरेंट भी खोले जाएंगे। इसको लेकर इन जिलों में जमीन भी खोज शुरू कर दी गई है। जमीन उपलब्धता के बाद नालंदा में 2, गया में 3, बिहार शरीफ में 1 नए होटल खुलेंगे। इसकी स्वीकृति के लिए जल्द ही विभाग प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजेगी। नरकटियागंज बेतिया रेलखंड में सोमवार की सुबह कुमारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 1 पर नरकटियागंज से रक्सौल जाने वाली डाउन डीएमयू ट्रेन के इंजन से सटे पीछे का एक बॉगी पटरी से उतर गया, जिससे ट्रेन में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। ट्रेन के रफ्तार काफी धीमी होने के कारण बहुत बड़ा हादसा टल गया। हालांकि घटना में किसी भी प्रकार का कोई हताहत नहीं हुई है। बताया जाता है कि नरकटियागंज से रक्सौल की ओर जा रही 05210 नंबर की डीएमयू पैसेंजर ट्रेन सुबह 9:34 पर कुमारबाग रेलवे स्टेशन पर पहुंची। 2 मिनट तक ठहरने के बाद ट्रेन रक्सौल के लिए रवाना हुई थी कि एकाएक बोगी के नीचे से
जोरों से घसीट की आवाज शुरू हुई, जिसके बाद चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया। बोगी को करीब 100 मीटर तक घसीटने के बाद एक नंबर लाइन के होम सिग्नल के पास इंजन से सटा एक बोगी पटरी से उतर गया। ट्रेन के रुकते ही यात्री बोगी से उतरकर भागने लगे। ट्रेन में करीब 400 से ज्यादा यात्री सवार थे। किसी भी यात्रियों को कुछ भी नहीं हुआ। ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद मेन लाइन पर रेल परिचालन का कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन एक नंबर लाइन से होकर घंटों परिचालन बाधित रहा। यूपी में विधानसभा के चुनावी शंखनाद से पहले सभी दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी जेडीयू के यूपी चुनाव मैदान में उतरने को लेकर बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोगों का जो प्रदेश का संगठन है उससे विचार कर आगे का निर्णय लिया जाएगा। जनता दरबार के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जेडीयू चुनाव लड़ेगी, अब लोगों का निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और प्रदेश विंग के नेता लेंगे। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी गठबंधन बनाकर लड़ेगी या अलग, इस पर फाइनल फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष तालमेल बनाकर लेंगे। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।